कल नेपाल ने मैच ही नहीं जीता बल्कि नेपाल के एक प्लेयर दुनिया भर में वायरल हो गए। कल उन्होंने एक और रिकॉर्ड को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद उनका नाम टाइगर जो कि पूरी दुनिया भर में वायरल हो रहा है। बात कर रहे हैं हम दीपेंद्र सिंह एरी की, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ने में महारत हासिल किया है और अब वो दुनिया की उस सबसे टॉप लिस्ट के अंदर तीसरे बंदे बन चुके हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आखिरकार कल के मैच में ऐसा क्या हुआ और इसके साथ साथ इससे पहले वो कितने बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं, कौन से महान प्लेयरों के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कल मैच था यहाँ पे नेपाल वर्सेज कतर के बीच। ये मुकाबला ACC मैंस प्रीमियर कप 2024 का था और नेपाल के लिए दूसरा मैच था। पहला मैच नेपाल जीत कर आ रही थी मलेशिया के अंगेंस्ट और दूसरे मैच में उन्होंने पहले बैटिंग करने को मौका मिला। बैटिंग करते हुए नेपाल की पूरी टीम ने वैसे अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन तूफान जब आया, जब नेपाल के एक ऑलराउंडर जो कि दीपेंद्र सिंह एरी हैं वो आते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने 9 गेंदों में 50 लगाकर सभी को हैरान कर दिया था और सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने युवराज सिंह के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। उस समय युवराज सिंह जो कि T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे तेज 50 जड़ी थी। दीपेंद्र सिंह एरी ने पिछले ही साल 19वें एशियाई खेलों के लिए मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में 50 जड़ी और यूवी का ये रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इस मैच के अंदर जो दीपेंद्र सिंह एरी है वो 21 गेंदों का सामना करते हैं, नॉट आउट भी रहते हैं और 21 गेंदों में वो यहाँ पे 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 64 रन की पारी खेलते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी इस पारी के दौरान 6 छक्के लगातार भी बनाते हैं। अब अगर बात करी जाए उनकी हिस्ट्री की तो एरी हिस्ट्री इस तरह रजिस्टर कराते हैं कि वो सेकंड प्रीवियर कप की विक्ट्री के साथ 24 ईयर के ये ऑलराउंडर जिन्होंने इक्विवेलेंट करा है रिकॉर्ड को। युवराज सिंह जो कि इंडिया के हैं उन्होंने 6 छक्के उसी मैच में लगाए थे जहां पर उन्होंने सबसे फास्टेस्ट 50 लगाई थी और कैरोन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं उन्होंने भी 6 छक्के 6 बॉलों में लगाए थे। T20 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा छक्के या फिर 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने वाले ये तीसरे प्लेयर बन चुके हैं। दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो ये पहले प्लेयर भी हैं ऐसा करने वाले। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तीसरे हैं तो तीसरे ही रहेंगे, नहीं, इन्होंने इसी मैच के अंदर 2 विकेट भी लिए हैं। तो ऐसा करने वाले कि 6 बॉलों में 6 छक्के भी लगा दे और दूसरी ओर ये ऑलराउंडर 1 विकेट भी किसी ने नहीं लिया था जबकि इनने 2 विकेट लिए हैं इसी एक मैच के अंदर। तो ऐसा करने वाले ये इंटरनेशनल T20 करियर के अंदर पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी से पहले भी कई बार सुर्खियों में आए हैं लेकिन कल जो कारनामा करके दिखाया है उसके बाद से इनकी सुर्खियां कम नहीं हो रही हैं। इनके फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर चढ़ रहे हैं और इससे पहले उन्होंने खुद को साबित किया था और हमने भी पहले कहा था कि इन प्लेयर्स को आप बोलिंग के जरिए नहीं बल्कि बैट के जरिए इस्तेमाल कीजिए और उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि कुशल मल्ला कल 18 गेंदों में 36 रन लगाकर खुद को साबित कर दिया और आज यहाँ पे दीपेंद्र सिंह एरी 21 गेंदों में 64 रन लगाकर ये साबित कर दिया कि वो कितना खतरनाक हो सकते हैं किसी भी एक टीम के लिए। दोस्तों दीपेंद्र सिंह एरी के तूफान ने नेपाल को ना केवल जीत दिलाई बल्कि नेपाल की टीम को हाईलाइट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।